सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट Xiaomi 14 अल्ट्रा। जी हाँ, ये Xiaomi 14 नहीं है, Xiaomi 14 अल्ट्रा है। और पता है क्यों हमने ये अर्जेंटली मंगवाया हुआ है? द ओनली रीजन बीइंग, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि Xiaomi 14 के साथ में Xiaomi 14 अल्ट्रा इंडिया में आना चाहिए। सो वी थॉट लेट्स डू द वीडियो फॉर यू। जी हाँ, तो आ गया है फोन, अभी आया हुआ है, ज्यादा टेस्ट नहीं किया है, बट कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, स्पेशली अगर कैमरा के बारे में बात करूं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों में ये DSLR के आगे भी निकल जाता है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्रेजी कैमरा सेटअप, मतलब ऑलरेडी Xiaomi 14 में हमने क्रेजी कैमरा सेटअप देखा था, इसमें तो पूछेगा मत। बट देयर आर सम क्वेश्चन मार्क कि पहले तो अभी तक Xiaomi ने कंफर्म नहीं किया है Xiaomi 14 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च होने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि उन्होंने लॉन्च करना चाहिए। एट द सेम टाइम इसकी प्राइस जो होगी ये 95,001 लाख की होगी। अब ये भी सवाल आने वाला है कि क्या भाई 1 लाख का Xiaomi का फोन कोई इंडिया में खरीदेगा? मेरे हिसाब से दोस्तों Xiaomi 14 Ultra में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, विल मेक इट वर्थ द प्राइस। जी हाँ, हार्डवेयर बहुत जबरदस्त है, बट सॉफ्टवेयर में भी आपको HyperOS वगैरह मिलता है, इनका जो कनेक्टेड इकोसिस्टम है उसके साथ में, एंड दिस इज एट द टॉप ऑफ द हीप। दोस्तों सब आपके लिए करते हैं, करिएगा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक, तो राइट नाउ डू इट, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिएगा। चलिए लेट्स ओपन द बॉक्स। Xiaomi 14 अल्ट्रा, दिस इज द चाइनीज वेरिएंट, ब्लैक सिल्वर लेटरिंग। अब मैं लेटरिंग जब कहता हूं तो कुछ और लोग कहते हैं कमेंट्स में, लेटरिंग यानी वर्ड्स, अक्षर जो लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। आई डोंट नो व्हाई, बट यार लोग कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है सिम कार्ड टूल, देन डॉक्यूमेंटेशन। वैसे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि बाकी सब चीजें मैं क्विकली बात करने वाला हूं, कैमरा पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाला हूं, बट यस दिस इज द केस, थोड़ी मिल्की है, लुक्स नाइस। कैमरा मॉड्यूल देखिए भाई, आई मीन बस आधा तो कैमरा मॉड्यूल से ही भरा हुआ है, दैट इज व्हाट इट इज। This is the phone. Already हाथ को मुझे इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल लग रहा है, एंड देर इज अ रीजन फॉर इट, आई डोंट माइंड दैट। सो दिस इज द फोन, इंटरेस्टिंग, अ लिटिल हैवी। 90 वॉट का चार्जर आता है, वैसे आपको बता दूं 90 वॉट के साथ 80 वॉट वायरलेस चार्जर, फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग फोन है ये। सो दिस इज द वायर चार्जर। चाइनीज वेरियंट में 5300 mAh की बैटरी आती है, लेकिन ग्लोबल वेरियंट में 5000 की ही है। एक चीज गलत है, USB Type-A to Type-C दी हुई है, दिस शुड हैव बीन Type-C to Type-C, बट नहीं दोस्तों, इट्स Type-A to Type-C। चलिए ये सब हो गया बॉक्स के अंदर, Let's talk about the phone. दोस्तों ऑलरेडी फोन देखिए, जब मैंने रखा हुआ है, क्लोजअप ले लो भाई, जब फोन रखा हुआ है ये देखिए, मतलब इट इज लिटरली लाइक दिस, ऑब्वियसली। ऑलराइट, ये व्हाइट वेरिएंट है, वैसे ग्लोबल में दो ही वेरिएंट है, एक तो व्हाइट है एंड एक ब्लैक है, इसमें और दो वेरिएंट आते हैं चाइनीज, जो चाइनीज वेरिएंट है उसके अंदर, बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। इनफैक्ट इसका जो डिजाइन है ना, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लाइका का जो M10P DSLR कैमरा है, उससे ये इंस्पायर होके बना हुआ है। DSLR नहीं है, आई थिंक इट इज अ क्लासिक कैमरा, बट लुक एट दिस, आई लव द डिजाइन, एंड ये वेगन लेदर है। इसमें जो फ्रेम है ना, दैट इज एल्यूमिनियम, इनफैक्ट उनके प्रो में टाइटेनियम फ्रेम थी, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम है, शायद वेट वगैरह जो कम करने का, आई डोंट नो द रीजन। ये जो ग्लास है आगे, मैं कहूंगा स्ट्रेट भी है लेकिन कर्व्ड भी है, और कर्व्ड सिर्फ नहीं है, क्वाड कर्व्ड है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, यू नो इट्स स्लाइटली टॉप हैवी, व्हिच इज एक्सपेक्टेड, इतना बड़ा जो कैमरा मॉड्यूल है, लुक एट दैट, माय गुडनेस, मतलब नियरली 60-70% जितना मोटा फोन है उतना ही मोटा जो है उनका कैमरा मॉड्यूल है। 225 grams, yeah, it's heavy है भाई साहब, एंड हाथ में बड़ा भी लगता है। और एक बात कहूँ, जब आप फोन पकड़ते हो हाथ में, ये जो है ये कैमरा मॉड्यूल हाथ को लगता है, आई मीन यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील इट, क्योंकि ये नीचे भी आ रहा है, नियरली 40% जो है कवर्ड है। बट डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त डिस्प्ले है, टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले दोस्तों, 6.73 इंच का 2K+ डिस्प्ले है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है, 3000 nits पीक ब्राइटनेस आती है, 12-bit डिस्प्ले आता है, मतलब कुछ 68 बिलियन कलर्स आते हैं इसके अंदर, सो एब्सोल्युटली जबरदस्त है। एंड हाँ, एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है फ्रॉम 1Hz to 120Hz, जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। बेजल्स नहीं के बराबर ही कहूंगा, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर आप देखोगे तो एब्सोल्युटली स्टनिंग, 93% के ऊपर होगा। एक्सलेंट डिस्प्ले, कर्व्ड दिखता है बट फ्लैट डिस्प्ले का भी मजा मिलता है, मतलब जो अनवांटेड टचेस वगैरह होते हैं वो नहीं है, एंड क्वाड कर्व्ड है तो चारों तरफ से आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है। इट लुक्स मॉडर्न एंड ब्यूटिफुल फोन, दैट इज फॉर श्योर। और जब मैं हिलाता हूं इसे दोस्तों, ओ माय गॉड, आवाज सुनिए, लेंसेज जो है, जी हाँ, OIS वगैरह है, पेरिस्कोप भी है,
एंड यू कैन हियर दोस्ट। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। डिस्प्ले के बारे में तो बात कर ली, 8 Gen 3 प्रोसेसर है दोस्तों, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, बेस वेरियंट 12256 का है, ऊपर वाला वेरियंट 16512 का है। जब इंडिया में लॉन्च होगा, जब भी होगा, अगर होगा तो कौन सा वेरियंट आएगा पता नहीं, बट 12256 होने वाला है, दैट इज द बेस वेरियंट। बैटरी जो है 5000 mAh की है, जैसे कहा 90W वायर्ड चार्जिंग है, 80W वायरलेस चार्जिंग है, फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग फोन है, सो ऑल दैट इज ग्रेट। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, अंतुदु स्कोर 2 मिलियन के ऊपर आता है, हाईएस्ट सेटिंग्स में सब गेमिंग कर पाओगे, सो ऑल दैट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, नो प्रॉब्लम्स देयर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अगर ओएस के बारे में बात करता हूं, हाइपर ओएस है, ये जो है ये चाइनीज वेरिएंट है, तो उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर वगैरह थर्ड पार्टी एप्स आते हैं। हाइपर ओएस जब इंडिया में आएगा स्पेशली ये, तो शायद इतने सारे थर्ड पार्टी एप्स नहीं होने वाले और आपको 3-4 साल के अपडेट्स जरूर मिलेंगे। ऑब्वियसली इट इज द अल्ट्रा फोन, हाईएस्ट फ्लैगशिप फोन है, तो वो मिलेंगे, लेकिन जब इंडिया में आएगा तभी। 2-3 चीजों के क्विकली बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी दोस्तों, वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, यू नो सभी बैंड्स का भी सपोर्ट होने वाला है, VoNR, कैरियर एग्रेशन, ये सब चीजें होने वाली है। एक चीज है कनेक्टिविटी में, सैटेलाइट कनेक्टिविटी आती है। अब ये चाइनीज वेरिएंट है, अगेन यू नीड अ चाइनीज सिम कार्ड वो एक्टिवेट करने के लिए, बट यस इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी आती है। अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स भी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, अल्ट्रासोनिक नहीं है दोस्तों, इट इज नॉर्मल ऑप्टिकल, फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ है। वैसे पोर्ट्स और बटन्स के समय बताना भूल गया दोस्तों, इसमें 4 अलग-अलग माइक्स है, पीछे की तरफ भी एक माइक आता है। सो या कैमरा, ओ माय गॉड, 50 MP के 4 कैमरास हैं। जी हाँ, पीछे की तरफ 50+50+50+50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जो LYT 900 सोनी का लाइट 900 ये सेंसर आता है दोस्तों। देन यू हैव 50 MP का अल्ट्रा वाइड, फिर आता है तीसरा सेंसर जो है 50 MP का टेलीफोटो जो 3.2x देता है, एंड देन यू हैव पेरिस्कोप, वो भी 50 MP का है, एंड वो भी आपको वो 5x जूम देता है, ऑप्टिकल जूम। और आगे आपको 32 MP का सेंसर मिलता है, शायद मैंने 50 बोला गलती से, इट्स 32 MP सेल्फी सेंसर। और पीछे जो 3 सेंसर्स हैं प्राइमरी छोड़ के, वो सब सोनी IMX858 सेंसर्स आते हैं। और पीछे जो भी चारों सेंसर्स मिलते हैं सभी ऑटो फोकस है। इसका जो अल्ट्रा वाइड है दोस्तों, इट्स अभी तक का स्मार्टफोन पे सबसे ज्यादा FOV वाला ये फोन है, मतलब जबरदस्त, इट्स रियली रियली वाइड। एंड टेलीफोटो एंड पेरिस्कोप होने की वजह से आपको टोटल 6 अलग-अल्ग फोकल लेंथ मिलते हैं, मतलब अगर अल्ट्रा वाइड इस्तेमाल करोगे तो इट इज 12 mm, सो इमेजिन 12 mm का कितना होगा। देन यू हैव प्राइमरी सेंसर का 24 mm, देन यू हैव 35, देन यू हैव 50, 75 एंड 120 mm। इस इन सब पे आप ऑप्टिकली शूट कर पाओगे, now that is crazy, and that to autofocus everywhere। और वैसे ही दोस्तों वीडियोग्राफी में सभी सेंसर्स जो है 4K 60fps शूट कर पाओगे, प्राइमरी सेंसर 8K भी देता है बट सभी पे 4K 60fps शूट कर पाओगे, तो आपको 120 mm फोकल लेंथ पे भी वीडियो लेना है, आप 4K 60fps शूट कर पाओगे, थिंक अबाउट दैट। वैसे प्राइमरी जो है दोस्तों वो 8K के साथ 4K 120fps भी करता है, सो क्रेजी स्पेक्स, मतलब एज फार एज कैमरा गोज क्रेजी, एंड फीचर्स उससे भी ज्यादा क्रेजी कहूंगा। और हाँ, प्राइमरी सेंसर में दोस्तों ये पहला 1 इंच का सेंसर है जिसमें आपको वेरिएबल एपरेचर मिलता है, 4 वेरिएबल एपरेचर मिलते हैं, f1.63 से लेके f4.0 तक। तो लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो 1.63 इस्तेमाल कीजिए, आपको लैंडस्केप वगैरह लेना है, सब कुछ यू नो प्रॉपर फोकस में चाहिए, f4.0 पे ले लो। जब मैं मैक्रो शूट कर रहा हूँ 30 cm दूर से मैं मैक्रो शूट कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ दैट 5x जूम है, तो दूर से भी मैक्रो वीडियोज एंड फोटोज आप शूट कर पाओगे, एंड ऑटो फोकस है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एज वेल। इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर आता है विच आई रियली लाइक, स्पेशली जो एक्शन फोटोग्राफी करते हैं, फास्ट शॉट नाम का फीचर है, जहाँ पे टेम्पलेट है बेसिकली, आप चूज कीजिए कि भाई इस पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे वगैरह मुझे शूट करना है, यू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर पॉकेट और जस्ट क्लिक कीजिए, 0.7 सेकंड्स में कैमरा खुल जाएगा एंड विल टेक द शॉट, दैट फास्ट शॉट फीचर जो है वेरी नाइस। मैक्रो के बारे में बात करिए तो जूम के बारे में बात करते हैं, 120x तक आप जूम कर पाओगे बट 30x तक एक्चुअली यूजेबल अच्छे फोटोज निकालता है विच इज एक्सीलेंट। और उसका भी रीजन है, इसमें AISP आता है जिसकी वजह से यू नो आपको जो पिक्चर्स वगैरह है वो ज्यादा शार्पर मिलते हैं, कलर्स वगैरह जो है अच्छे मिलते हैं, सो दैट इज देयर। और हाँ, वो AISP की वजह से आप अल्ट्रा रॉ 16-bit भी शूट कर पाओगे। और दोस्तों कस्टमाइजेबल इतने हैं, मतलब आपको जैसे फील चाहिए आपके फोटोज या वीडियोज का, वीडियोस के फिल्टर्स भी हैं, लाइव फिल्टर्स हैं, उसके बारे में बात करूंगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट लाइका पार्टनरशिप विच दे हैव। मतलब फोटोज में आपको लिटरली 90+ अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे चाहिए वैसे, एंड ऑब्वियसली लाइका है तो ब्लैक एंड व्हाइट उनके जो नेचुरल मोड है या मोर कॉन्ट्रास्टिंग मोड है वो सब फिल्टर्स तो मिलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज तो आप निकालोगे, इससे आप कलर पे आओगे ही नहीं,
ऐसे कहूंगा मैं, सीरियसली गुड फोटोग्राफ्स। और इसमें मास्टर सिनेमा मोड आता है वीडियोग्राफी के लिए, यहाँ पे 7 अलग अलग लट्स मिलते हैं, और वो लट्स दोस्तों बाद में शूट करने के बाद में अप्लाई करना नहीं है, लाइव आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप शूट कर रहे हो तो वो जो लट्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं और आपको दिखता है, वार्म चाहिए, कोल्ड चाहिए, जैसे भी मूड चाहिए आपको वो आप शूट कर पाओगे। वैसे डिस्प्ले में मैंने बताया नहीं, डॉल्बी विजन वगैरह वो सब है दोस्तों, एंड यू कैन शूट कैमरा के साथ, आप डॉल्बी विजन शूट भी कर पाओगे। सो दैट इज देयर। वैसे अगर आपने वीडियो शूट किया एंड बाद में एडिट करना है, उसके लिए 10-bit लॉग मोड भी आता है। सो यू नो बहुत सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप रिस्टोर कर पाओगे, एडिट कर पाओगे, जो भी करना है कर पाओगे, एडिट करना है बाद में, यू कैन डू दैट। एंड उसके साथ में और एक चीज बताऊं, 50 megapixel के चारों कैमरास जो है वो नेटिवली 50 megapixel शूट करते हैं। तो टेलीफोटो से, पेरिस्कोप से, अल्ट्रा वाइड से 50 megapixel नेटिव शॉट आपको लेना है, ले सकते हो आप। वैसे सेल्फी के बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं की, वीडियोग्राफी के लिए सेल्फी में भी 32 megapixel का जो सेल्फी सेंसर है 4K 60fps शूट करता है। तो बेसिकली सभी सेंसर्स 4K 60fps शूट करते हैं। वैसे अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, और भी कितने सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल 1920fps आप फुल एचडी 1080p पे 1920fps स्लो मोशन शूट कर पाओगे। हाइपरलैप्स है, डुअल मोड वगैरह है दोस्तों, लॉन्ग एक्सपोजर मोड है, डायरेक्टर्स मोड है, फ्लैश फास्ट शॉट जो मैंने कहा, सुपर मून मोड है, मून के फोटोज वगैरह आपको निकालने वो आप निकाल पाओगे। इट्स चॉकोब्लॉक, प्रोबेबली द मोस्ट फीचर रिच कैमरा टिल डेट। वैसे हम जब MWC गए थे या फिर लाइका के फैक्ट्री विजिट के लिए गए थे पिछले हफ्ते दोस्तों, तब देखा था कि इसके साथ में एक किट आता है, फोटोग्राफी किट, इट एक्चुअली बिकम्स अ DSLR कैमरा। जी हाँ, आपको शटर बटन वगैरह मिलता है, ऑन ऑफ का बटन मिलता है फिजिकल, और उसमें 1600 mAh की बैटरी भी है, एंड देन ये जो रिंग है ना वो भी आप चेंज कर पाओगे, तो थोड़ा लुक भी आप चेंज कर सकते हो उससे। सो या कंप्लीट फोटोग्राफी किट Xiaomi 14 Ultra। दोस्तों मैं सीरियसली सिर्फ कैमरा के लिए सोच रहा हूं कि क्योंकि अभी तक I'll be honest, इस साल मुझे अभी तक इतना एक्साइटिंग फोन लगा नहीं है, अभी तक जो भी लॉन्च हुए। आई एम वेटिंग फॉर मोर फोन्स टू लॉन्च, और इस महीने में बहुत सारे एक्साइटिंग फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। इसका छोटा भाई भी लॉन्च हो रहा है कल 7 तारीख को, उसका वीडियो ऑलरेडी कर दिया Xiaomi 14, नहीं देखा तो जरूर देखिए। अल्ट्रा जो है ना, Xiaomi 14 अल्ट्रा, ये जो अल्ट्रा मॉनिकर है, आई थिंक इट इज द राइट, स्पेशली कैमरा के बारे में बात करूं। हमें अभी कंपेयर करना है कि आईफोन की जो वीडियोग्राफी है ये इसके साथ मैच करती है, उसके लिए कंपेरिजन करने वाले, बट फोटोज डेफिनेटली यू कैन क्लिक मच बेटर फोटोज ऑन दिस वन, that I definitely am very confident about. Should I use it as my primary driver? नीचे बताइएगा, क्योंकि कैमरा के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट करने के लिए मजा आएगा इसे इस्तेमाल करने में। I really want to do that. चलिए दोस्तों, इसी के साथ होता है हमारा वीडियो खत्म। अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.